एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग मैनी। और मैं हूँ प्रियंका और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा विंटर स्किन केयर रूटीन। वैसे तो विंटर हो या समर हो, मेरा सिमिलर ही स्किन केयर रूटीन रहता है। कुछ एक तो स्टेप चेंजेस होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं फैलाती हूँ बिकॉज मुझे खुद को नहीं पसंद। और सर्दियाँ आए भाई, सर्दियों में तो 4 मग के पानी डालो वही सफिशेंट होता है नहाने के लिए। तो स्किन केयर रूटीन तो वैसे ही डर लगता है कि भाई ठंडे ठंडे पानी में हाथ देना पड़ेगा, बट क्या करें, अपने यू नो ब्यूटी के साथ में अपने फेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते, वो भी करना हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। बिकॉज मैं एक दो दिन ही अगर स्किप कर जाती हूँ तो यू कैन सी ये मुझे गिफ्ट यू नो मिलना स्टार्ट हो जाता है कुदरती। और आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे फेस पे ग्लो आता है, मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं कुछ नहीं यूज़ करती हूँ अपनी हॉल्स वीडियो में, कोई मेकअप नहीं। हाँ बस एक लिप बाम या कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं फेस पे कुछ भी नहीं यूज़ कर सकती करती हूँ। आप खुद देख सकते हैं अभी भी आपको लग रहा होगा ग्लो है, बट ये ग्लो नहीं है गाइस, ये जो मेरी ऑयली स्किन है उसका कमाल है ये। तो आप लोगों को ये ग्लो तो दिख जाता है बट ये भी देखा करिए गाइस, ये भी मुझे मिलता है इसी के साथ में, क्योंकि मेरी ऑयली के साथ में एक्ने प्रोन स्किन भी है। तो मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑयल है, मतलब अभी मैं फेस वॉश भी कर लूँगी ना, आप देखना उसके 15-20 मिनट्स बाद ही ना मेरे फेस पे ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा ज्ञान बांट लेते हैं स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेकअप अप्लाई किया है तो मेक श्योर पहले आप अपने मेकअप को रिमूव करें, देन अपने फेस को वॉश करें। उसके लिए आप क्लेंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, बाम्स आते हैं, वाटर्स आते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, अगर रॉ मिल्क आपके पास में अवेलेबल है तो आप वो लेकर के उससे भी अपना फेस यू नो अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, और वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बट मेरे को जो पसंद है, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो है आयुर हर्बल डीप पोर क्लेंजर मिल्क एनरिच विद एलोवेरा रोज एंड क्यूकम्बर। सी इसकी इतनी बड़ी बॉटल आती है और आई गेस इसका जो अमाउंट है वो 50-60 रुपीज़ आता है, तो आई थिंक विच इज़ वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा। ये लगा लीजिए आप, 3-4 मंथ्स इजीली ये चल जाता है। अदरवाइज आप पैराशूट कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है फेस के लिए और अच्छा भी रहता है। तो अगर जब तक आप मेकअप नहीं रिमूव करेंगे तो आप फेस वॉश भी कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं फेस में आइज पे या आपके लिप्स वगैरह पे मेकअप रह ही जाता है। तो बेस्ट है कि आप पहले अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करें, देन अपने फेस को वॉश करें। और सेकेंड थिंग, जो आप मेकअप वॉश करेंगे अपने मतलब फेस को वॉश करेंगे सॉरी, तो उससे पहले आप यू नो अपने ये हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर ले। बिकॉज़ क्या होता है, आप दिन भर में इतना सब कुछ करते हैं काम वगैरह, तो क्या होता है मेकअप इसमें सॉरी हैंड्स में इतना सारा जर्म एंड बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड हो जाता है, स्पेशली उन गर्ल्स के जिनके बहुत लंबे लंबे नेल्स हैं। सी मेरे तो कुछ ज़्यादा लंबे नेल्स नहीं है, तो उनके नेल्स के अंदर क्या होता है जर्म्स एंड बैक्टीरिया बहुत एक्यूमुलेटेड हो जाता है। तो बेस्ट है फेस पे हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लें, देन अपने फेस की तरफ बढ़े। तो आई गेस मैंने बहुत सारा ज्ञान बांट दिया, तो चलिए अपना स्किन केयर स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वेट करके आ रही हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से अपने फेस पे मसाज करते हुए अपना फेस वॉश यूज करिए। मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर आई हूँ, प्लस मैं अपने हैंड्स को भी क्लीन करके आ चुकी हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को वॉश करने के लिए मामा अर्थ उपटन फेस वॉश विद सैफ्रन एंड टर्मरिक। और सबसे जो बेस्ट थिंग मैं बताऊँ इस फेस वॉश की, वो ये है कि ये पैराबिन एंड SLS फ्री है और हाइपोएलर्जेनिक है, और ये सभी स्किन टाइप्स को सूट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऑयली स्किन वालों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्किन हो ये सब पे सूटेबल रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, और अगर आपको इसको परचेज करना है तो नाइका पे, mamaearth.in और अमेजन ये सब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आई थिंक 200-250 रुपीज़ समथिंग का ये है, इस पे 250 रुपीज़ लिखे हैं। और बट आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ ऑफ में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अपने हैंड्स पर ले लेते हैं। सी मैंने बस इतना लिया है, मैं अच्छे से यू नो 1-2 मिनट मसाज करूँगी इससे। और जो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है, इसके अंदर कुछ यू नो छोटे छोटे बीडेड काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, मींस ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। बिकॉज क्या है, मैं अलग से मुझे स्क्रब करने की नीड नहीं पड़ती है, इसी से मेरा थोड़ा बहुत स्क्रब हो जाता है। हाँ, जब मुझे ज़्यादा लगता है वीक में एक दो बार मुझे अच्छे से मतलब यू नो स्किन केयर और ज़्यादा करना है, देन मैं स्क्रब यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं स्क्रब नहीं यूज़ करती हूँ, मोस्टली समर में यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं क्रीमी फॉर्म में एकदम ये,
बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा। मैं ये लगा लीजिए मेरी आई थिंक थर्ड बॉटल है, मैं इसकी मतलब दो ट्यूब ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, जो कि आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि किसी भी फेस वॉश को मैंने इतना यूज़ किया होगा। मेरे को ये टचवुड बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। मामा अर्थ के यू नो सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं काफ़ी उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल गाइज कि आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इन प्रोडक्ट्स को। इसमें टी ट्री केयर की भी रेंज आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को यही सूट किया सो मैं यही यूज़ करती हूँ। मेक श्योर कि आप अच्छे से 1 से 2 मिनट तक ही मसाज करें अपने फेस पे। हाँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आई थिंक 1/2 मिनट ही सफिशियंट रहेगा, बहुत ज़्यादा मसाज करेंगे तो बहुत ड्राई हो जाती है स्किन, तो ड्राई स्किन वाले ज़्यादा मसाज ना करें, ऑयली स्किन वाले कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और नेक को अपनी ना भूलें, नेक पे भी अच्छे से मसाज करें क्योंकि नेक भी वॉश करनी बहुत नेसेसरी होती है, अदरवाइज आपको पता ही है डिस्कलरेशन हो जाएगा फेस का कुछ और नेक का कुछ। चलिए मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आती हूँ। मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ गाइज। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आप मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप अपना टाल यूज़ करें, एक तो पहली बात वो क्लीन होना चाहिए, देन सेकंड थिंग इज़ दिस कि बहुत सॉफ्ट आपका टाल होना चाहिए, बहुत मतलब यू नो रफ रफ काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कृपया करके अपने फेस को टाल से डैबिंग मोशन में यू नो पैट ड्राई करें। ये नहीं कि लिया और रगड़ लिया फेस पे, ये कोई तरीका नहीं होता है सीरियसली, आप बस जस्ट पैट ड्राई करिए, क्योंकि क्या होगा ना अगर आप रगड़ लेंगे अच्छे से फेस पे तो जो भी अगर आपके यू नो एक्ने ये ब्रेकआउट्स पिंपल्स कुछ भी हो रहा होगा तो वो फूट जाएंगे और वो सब जगह पे यू नो फैल जाएंगे आपके पूरे फेस पे, जो कि बहुत हार्मफुल रहेंगे आपके फेस के लिए। क्योंकि क्या है अभी तो आपके क्या है जैसे सिमिलर मेरे यहाँ पे पिंपल है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और वो जब फूट जाएंगे तो क्या होगा, वो सब जगह में उसका जो यू नो गंदगी होगी वो इधर उधर फैल जाएगी, तो उससे क्या होगा यहाँ के साथ साथ इधर भी आपको यू नो बाय वन गेट वन ऑफर हो जाएगा। तो बेस्ट है कि डैबिंग मोशन में ही अपने फेस को अच्छे से यू नो ड्राई करें, रगड़े ना, बिकॉज इट्स नॉट अ रगड़ा पैटीज। सो अब मैं यूज कर रही हूं अपने फेस पे बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो कुकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफी अच्छा यू नो टोनर है, और सबसे बड़ी बात ये अल्कोहल फ्री है, और इसकी जो रेंज है ये अंडर 200 में आता है। इफ़ आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो देन नो प्रॉब्लम, आप डाबर का ये गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं भी पिछले कुछ दिनों से यही यूज़ कर रहे थे बिकॉज ये मेरा फिनिश हो गया था, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये क्या बोलते हैं गुलाब जल जो है एज अ टोनर ही वर्क करता है, तो मैं ये यूज़ करूँगी अपने फेस पे। इससे क्या होता है जो भी आपके यू नो ओपन पोर्स है जैसे मेरे बहुत है लार्ज पोर्स, तो वो मिनिमाइज हो जाते हैं और यू नो अच्छे से आपकी जो भी डर्ट अगर रह गई है फेस वॉश के बाद भी वो इस पर अच्छे से आ जाती है, तो टोनर बहुत नेसेसरी है, वो प्लीज आप स्किप ना करें, स्पेशली ऑयली वाले तो ना ही करें, ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज ऑयली वालों की क्या होती है एक्ने प्रोन स्किन होती है और क्या बोलते हैं ओपन पोर्स काफ़ी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं, तो उन लोगों को ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बट हाँ, जब भी आप टोनर यूज़ करें तो मेक श्योर आप अपनी आईज को बहुत यू नो प्रोटेक्ट करके यूज़ करें, बिकॉज क्या होता है इसमें थोड़ी सी टिंगलिंग काइंड ऑफ सेंसेशन होती है, वो आप अगर आईज में लग जाएगा तो बहुत यू नो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे आप प्याज काट के बैठे हैं अभी। तो बेस्ट है कि आप अपनी आईज को अच्छे से प्रोटेक्ट करके इसको पूरे फेस पे यूज़ करें। नाउ मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम विद मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी।
और ये भी मिनरल ऑयल एंड पैराबेन फ्री है, इसमें मिनरल ऑयल भी है प्लस पैराबेन फ्री है, ये काफ़ी अच्छा यू नो एज अ मॉइस्चराइजर वर्क करता है। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितने ब्रेकआउट्स ये सब कुछ हैं, तो जो भी ब्लैमिशेस थे टचवुड इसने मेरे को बहुत हेल्प आउट किया है उसको रिमूव करने में। तो ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट क्रीम है इस टाइम पे, और इसी क्रीम को मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। मतलब आपको पता है मेरी ऑयली स्किन है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं अप्लाई करना पसंद करती हूँ, यही सफिशियंट है। और इसका मैं जस्ट 1 or 2 पंप ही अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। हाँ, अभी कुछ दिनों से क्या है मेरे फेस पे यू नो पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बस उसके लिए मैं अभी कुछ 3-4 days हुए हैं उसमें मैं इसी में अपने यू नो क्रीम में जो मिक्स कर रही हूँ गुड वाइब का टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है, तो इसकी भी जस्ट 1 drop मैं लूँगी। देखो 36 बार पहले तो मारना छेदना पड़ता है तब जाके 1 drop आती है। अच्छे से मैं इसको मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और हाँ, 1 more thing गाइस, इसके पीछे बहुत डेंजरस यू नो स्टोरी है इस एसेंशियल ऑयल के बारे में। सी छोटू सी बॉटल है और बहुत बड़ा काम करती है। आपकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है मेरी तरह प्लस अगर सेंसिटिव स्किन है तो इसकी जो है 1 or 2 drop इज़ वेरी सफिशेंट फॉर एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन पीपल्स। प्लीज़ आप 1 or 2 drop से ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक अपने फेस पे इसको यू नो आई गेस मैंने कोई पैक यूज़ किया था तो उसके अंदर मैंने 3-4 drops डाली थी और आप यकीन नहीं करेंगे मेरा पूरा फेस इतना जल गया था कि मैंने आधा सेकंड भी अपने फेस पे मास्क मतलब अप्लाई नहीं किया था। मेरे को तुरंत भागना पड़ा अपने फेस को वॉश करने के लिए, बिकॉज अगर मैं ये लगा लीजिए 1 से 2 मिनट भी अगर मैं फेस पे अपना जो वो मास्क था अप्लाई करे रखती तो शायद मेरा स्किन मतलब जल जाती, इतनी बुरी तरीके से जल रही थी, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे मुँह पे ना एसिड फेंक दिया, इतना बुरा जलन हो रही थी उस टाइम पे। तो मेक श्योर आपकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है प्लस सेंसिटिव स्किन है तो इसकी 1 or 2 drop ही अप्लाई करें अपने फेस पे, ज़्यादा बिल्कुल ना करें, बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा फेस बर्न हो जाता है हो सक। और मेरे फेस पे उस टाइम पे थोड़े थोड़े रेड मार्क्स भी आ गए थे, वो तो टचवुड मैंने उस टाइम पे मतलब ये लगा लीजिए हाफ मेरे फेस पे अप्लाई हो पाया था, वो जो मास्क था मैंने तुरंत उसको रिमूव कर लिया था वॉश कर लिया था। तो मेक श्योर आप जस्ट 1 or 2 drops, आपने अभी भी देखा होगा मैंने भी जस्ट 1 ही drop लिया है, वो भी अभी मैं 2-3 days से ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज पिंपल में ये थोड़ा हेल्प कर रहा है इसको रिमूव करने में। तो अपने फेस के साथ में गाइस नेक को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए, उसको भी मत भूलिएगा बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब फाइनली मैं यूज़ करूँगी अपना नीविया का ओरिजिनल केयर लिप बाम, एक छोटू सा लिप बाम। क्योंकि गाइज स्किन केयर तो नेसेसरी है ही, उसके साथ में लिप केयर भी बहुत नेसेसरी है, तो लिप को बिल्कुल भी ना अवॉइड करें, उसको भी अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर करें अच्छे से लिप बाम से। गाइस दैट्स ऑल अबाउट माय स्किन केयर रूटीन, आप देख सकते हैं कितना यू नो चेंजेस हुआ है एकदम से मेरी स्किन में, मैंने अभी वॉश किया अपना फेस। तो मेक श्योर आप अपने फेस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें, ठंड है ठीक है इट्स अ जोक अपार्ट, अपने फेस को पूरा पूरा ध्यान दें और यू नो सही स्किन केयर करना बहुत नेसेसरी होता है। उसके लिए आपको अपनी स्किन के बारे में जानना बहुत नेसेसरी है कि आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। तो मेक श्योर आप पहले अपनी स्किन को जानिए कि आपकी किस तरीके की स्किन है, देन उसके ही हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करें।
तो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो और आपको अच्छा लगा हो। इफ़ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे और आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। सो टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।